हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं जहांगीर महल और शीश महल। ओरछा में जहांगीर महल हिंदू राजा वीर सिंह ने बनवाया था अपने मित्र जहांगीर के लिए। और सबसे रोचक बात यह है कि इस महल को बनाने में करीब 22 साल लग गए थे और सिर्फ एक रात जहांगीर को यहाँ ठहरना था। इस वजह से ओरछा वन डे स्टे के लिए भी फेमस है। यह विशाल संरचना लाल और पीले बलुआ पत्थर से निर्मित 3 मंजिला इमारत है। इसके केंद्रीय प्रांगण के चारों ओर 236 कक्ष हैं, जिसमें से 136 भूमिगत है। कहा जाता है कि महल का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर था, किंतु बाद में पश्चिम की ओर से एक प्रवेश द्वार बनवाया गया। आजकल पूर्व का प्रवेश द्वार बंद रहता है तथा पश्चिमी का प्रवेश द्वार पर्यटकों के आगमन के लिए खोल दिया गया है। जहांगीर महल से सटे ही शीश महल का निर्माण किया गया है। प्राचीन निर्माताओं की अद्भुत निर्माण शैली का प्रतीक शीश महल, जो कि राजा उद्धत सिंह के द्वारा बनवाया गया है। स्वतंत्रता की घोषणा के बाद राज्य ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया और इसे एक अन्य प्रकार के निवास में बदल दिया, एक लग्जरी हेरिटेज होटल। शीश महल का अर्थ दर्पण महल है, लेकिन कांच के काम या दर्पण के उपयोग के कारण ऐसा नहीं है, जैसा कि माना जा सकता है कि यह नाम चमकदार नीली हरी टाइलों के व्यापक उपयोग के साथ साथ छत पर जाली के काम के माध्यम से चमकने वाली रोशनी के चमकदार प्रभाव को यह दर्शाता है। इस महल में शाही एवं अन्य कीमती सामान लगा हुआ था, जो कि धीरे धीरे गायब होता चला गया। वर्तमान में यह महल मध्य प्रदेश पर्यटन के अधीन है। हम चलते हैं जहांगीर महल के अंदर और देखते हैं अंदर का क्या है नजारा। जहांगीर महल की वास्तुकला भी एक रोचक विषय है। जी हाँ, इस महल के बारे में बोला जाता है कि यह बुंदेल और मुगल शिल्पकला का एक बेजोड़ नमूना है। इस महल का निर्माण आयताकार चबूतरे पर बना है। महल की भव्यता देखते ही बनती है। महल के अंदर एक सी कतारों में सैकड़ों कमरे बने हुए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। जहांगीर महल 3 मंजिला इमारत है। महल के ऊपरी भाग में भी अनेक कमरे हैं तथा महल के पश्चिमी भाग में भी भूल भुलैया बना हुआ है। बताया जाता है कि महल के अंतर्गत में तलघर है, जहां से रास्ते जमीन के अंदर से होकर अन्य महलों के लिए जाते हैं। पहले के राजा और महाराजा गुप्त रास्तों का प्रयोग करते थे। वो गुप्त मार्ग से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बेहद पसंद करते थे और उससे कोई खतरा भी नहीं होता था और समय भी कम लगता था। और ये सारे कमरे संगमरमर के बने हुए हैं और इन्हें देखकर आंखें चौंधिया जाती है। चारों ओर के कमरे से घिरा हुआ विशाल प्रांगण है। इस किले का निर्माण 1501 में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया था। हाँ, इससे ऊपर आए।
और यहाँ से प्रकृति की छटा देखते ही बनती है। इतिहास भौतिक अवशेषों पुरातत्वविदों को प्रागैतिहासिक काल के बारे में समझने और जानने में मदद करते हैं, क्योंकि वे लोगों की जीवन शैली को समझने में सक्षम बनाते हैं। चिड़िया है, उड़ रही है। हाँ, उड़ रही। तो गाइज, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।